राज्य विभाग के बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर सम्राट चौधरी जो पुराने मंत्री थे वो अब नए बदल गए हैं, यानी कि नए मंत्री बन गए हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी। जान लीजिए मुरारी प्रसाद का जो है ना, यह केंद्र सरकार की योजना चलता है, केंद्र सरकार की योजना को बिहार सरकार सकता है, क्योंकि मंत्री जी को यानी कि इस प्रकार की अगर कोई यानी कि असुविधा पेश होगी तो उसमें जो है ना मंत्री जी अपना जो है ना इसमें एक्शन ले सकते हैं इसमें। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे पंचायती राज विभाग के बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर सम्राट चौधरी जो पुराने मंत्री थे वो अब नए बदल गए हैं, यानी कि नए मंत्री बन गए हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी। जान लीजिए मुरारी प्रसाद गौतम जी ये भी बेचारे जो है ना यानी कि इससे पहले पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक की नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन किया और फिलहाल में यह कांग्रेस से यानी कि विधायक थे, और ये इनको इसी बात को यानी कि स्वागत करते हुए कांग्रेस ने यानी कि पंचायती राज विभाग के मंत्रालय को जिम्मेवारी इनकी सौंपी गई है, जो कि बिहार में नई सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है। इसमें हम सबसे पहले मुरारी प्रसाद गौतम जी को अपने नए मंत्री पद के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सदस्यों का इस प्रकार का क्वेश्चन आना शुरू हो गया है कि सर साथ नीचे पार्ट टू जो पहले चल रहा था वो जिसके लिए अधिसूचना जारी किए थे यानी कि सम्राट चौधरी जी ने, क्या यह सूचना रद्द हो जाएगी क्या, यानी कि सम्राट चौधरी के द्वारा यह यानी कि डाला गया था कि जो है ना यानी कि पुराने वार्ड सदस्य क्या रहेंगे, अनुरक्षक रहेंगे। जान लीजिए यह जो ना यह सारी बातों जो है ना सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई थी यानी कि पंचायती राज मंत्री होने के नाते, लेकिन साथ नीचे पार्ट टू योजना जो है ना या जान लीजिए या मुख्यमंत्री जी का क्या चीज है, मुख्यमंत्री जी का सपने का योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी का यह योजना है। इसमें सम्राट चौधरी जी यानी कि पंचायती राज मंत्री थे, लेकिन इस योजना का यानी कि मुख्य आवरण कौन होते हैं, या मुख्यमंत्री होते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का इसमें बदलाव अगर करना होगा ना तो ये मुरारी प्रसाद गौतम जी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साथ नीचे पार्ट टू योजना को बंद कर देंगे चाहे किसी अधिसूचना को इसमें यानी कि रद्द कर देंगे। हाँ, भले यह हो सकता है कि आप लोग जाकर के इनसे मिलिए, सबसे बड़ा बात कि जहां के हैं यानी कि अरवल रोहतास साइड के या कहे जाते हैं, तो इनसे मुरारी प्रसाद गौतम जी से जो उस साइड के लोग होंगे वह जाकर के अपना वार्ड से संबंधित होने वाले जो है ना यानी कि परेशानी के बताएंगे कि वार्ड को किस किस प्रकार की परेशानी होते हैं, और इनसे टाइम लेकर के थोड़ा सा यानी कि आप लोग डिसीजन करने की बात कीजिए, ताकि जो है ना आप लोग का जो है ना यानी कि भराई की बात ये कर सके, क्योंकि इनके पास समस्या इनको पता रहेगा तो ही ना ये कोई भी ठोस कदम उठाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मनरेगा, तो जान लीजिए मनरेगा जो है ना यह केंद्र सरकार की योजना चलता है, केंद्र सरकार की योजना को बिहार सरकार आगे बढ़ाने की काम करते हैं, इसलिए मनरेगा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। नई अनुरक्षक नीति, देखिए जान लीजिए नई अनुरक्षक नीति आ सकता है, नई अनुरक्षक नीति जो है ना यह आ सकता है, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि मंत्री जी को यानी कि इस प्रकार की अगर कोई यानी कि असुविधा पेश होगी तो उसमें जो है ना मंत्री जी अपना जो है ना इसमें एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। यानी कि झंडाने फहराने वाला पैसा, देखिए अब इस बारे में हम बात करेंगे तो झंडा फहराने वाले पैसे के बारे में तो बहुत सारे सदस्यों का यह आधे से बिहार में जो है ना यानी कि मान लीजिए 50,000 से प्लस वार्डों को जो है ना यानी कि 1,000 रुपया नहीं मिला, कहीं कहीं पे झूठे फर्जी लेटर एगो निकाल दिया गया है कि इनके द्वारा, तो वीडियो साहब के द्वारा, वीडियो साहब की बहुत बड़ी मिलीभगत इसमें था, क्योंकि यह पैसा पूरा का पूरा जो है ना जेब में जाने वाला पैसा है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य सबूत नहीं देना पड़ता है, बस एक झंडा फहरा दीजिए। जान लीजिए सभी जगहों का जो झंडा फहराए थे ना जो वार्ड सदस्य, वो उनको बोले थे कि फोटो आप खींच करके भेज दीजिए, और इसी फोटो से वे व्यक्ति लोग क्या किए हैं 1,000 रुपया निकाल लिए, बस खाली फोटो के यानी कि लिख के माध्यम से। नहीं तो जान लीजिए या जितने जो एक प्रखंड में यदि मान लेते हैं कितने, अगर एवरेज 20 पंचायत है, अगर 20 पंचायत में अगर 10-10 15-15 वार्ड है ना, तो कुल मिला करके कितना रुपया कितना हुआ, यानी कि 20-15 में गुना होगा तो 300 वार्ड हुआ। अगर 300 वार्ड है एक प्रखंड में, अगर उससे 1,000 रुपया की मारी हुआ, मतलब 1,000 रुपया का घपला हुआ, तो आप जान लीजिए कितना रुपए की घपला हुआ होगा, 3 और 5 0 यानी कि 3 लाख रुपए की यानी कि घपला हुआ। यह घपला कोई छोटी घपला नहीं कहा जा सकता है, यानी कि एक सरकारी नियम नाते के अनुसार। इसीलिए जो है ना यानी कि बिहार के पूरे प्रखंड में अगर इस प्रकार की घपला हुआ तो कितना रुपया का घपला हो गया, तो जान लीजिए कहीं कहीं के वीडियो साहब के ऊपर जब दबाव पड़ा ना तो उनको यह जांच के विषय में डाल दिए हुए हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ कि वार्ड सदस्य हम लोग के द्वारा बनाए गए वीडियो से जो यानी कि परिचित हुए, और उन्होंने जब जाकर के क्वेश्चन पूछा, जब उन्होंने जाकर के प्रखंड के सामने
में, यानी कि इस बात को सामने में, मामले को संज्ञान में लेकर के रखें, तो जान लीजिए वहां पर बीडीओ साहब के क्या एक्शन आया उसको हम आपको बताते हैं। होगा तो स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर भी शेयर करने का काम करेंगे कि बीडीओ साहब ने क्या क्या कहा। देखिए बीडीओ साहब का क्या नाम है कि इस मामले का सभी मुखिया जी को यह बोल दिया गया था कि जो आपने जो है ना अपने अपने वार्ड सदस्य को 1,000 रुपया दे दीजिए। क्या चीज के लिए? तो झंडा फहराने के लिए सभी को 1,000 रुपया दे दीजिए। लेकिन वार्ड सदस्य के कहने के मुताबिक उनको जब नहीं मिल पाया है तो यह मामला जो है ना यानी कि जांच का विषय आ गया। हम इसकी जांच करा करके तुरंत जो है ना इसके ऊपर कठिन कार्रवाई की करते हैं। तो जान लीजिए इस प्रकार के कहीं कहीं के बीडीओ साहब को यह लेटर निकाल दिए हैं कि यह जो है ना यह 1,000 रुपया पूरे पंचायत में दिया गया है, इसीलिए सभी वार्ड सदस्यों को हम संतुष्टि पूर्वक जवाब देते हैं, यानी कि जो है ना पूरे पंचायत के लिए जो है ना 1,000 रुपये की व्यवस्था है, इसीलिए आप लोग ज्यादा इसमें यानी कि छेड़खानी मत करें। ठीक है, इस प्रकार की आया है। हम बीडीओ साहब का दोनों लेटर को हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने भी डिस्प्ले पर ला दें। और देखो नई सरकार का नया नियम, देखिए नई सरकार बनी है तो नया नियम कुछ ना कुछ आना ही है। अब चाहे जिस बातों पे नियम आए, लेकिन जो मुरारी प्रसाद गौतम जी जो है ना यानी कि अपना नया नियम जरूर डालेंगे। इससे पहले बिहार में एनडीए के साथ सरकार था यानी कि मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अब जो है नया सरकार किसका आ गया है? महागठबंधन का। ठीक है, तो महागठबंधन सरकार जो है ना अपना कुछ ना कुछ नया नियम जरूर छोड़ेगी, क्योंकि जो बीजेपी का द्वारा जो बनाए गए नियम था वह बीजेपी के नियम को पालन नहीं करवाएगी। हो सकता है तो करवाएगी भी। क्यों? क्योंकि इसका जो भी कमिटमेंट होता है, इसका जो सबसे बड़ा जो कोई भी विभाग का जो कमिटमेंट होता है वह किसका होता है? तो सीएम का, यानी कि मुख्यमंत्री जी का। लेकिन यह मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार में अभी पुराने मुख्यमंत्री ही है, इसीलिए कोई भी बड़ा कोई बदलाव नहीं, आप लोग सोचिएगा, कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा। जो भी होगा वो पुराने बदलाव में ही संशोधन किया जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।